So today we are learn about local self government. ठीक है, इस हम सभी को पता है कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, बट ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो लोकल एरियाज के लिए वर्क करती है. अब एक स्टेट है, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टेट है, टुडे वी आर लर्न अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. हम सभी को पता है कि हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है, बट ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? अब मान लो एक बहुत बड़ी जगह है, एक बहुत बड़ा देश है या बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे कहीं पे खेती होती है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, कहीं पे सूखा पड़ता है, कहीं पे कहीं पे पानी ज़्यादा है, ठीक है, तो इन सब एरियाज की अपनी अलग अलग ज़रूरतें होंगी, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए अलग अलग ज़रूरतें होंगी, अलग अलग चीज़ों में डेवलपमेंट चाहिए होगा, लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होंगी, तो इन सब ज़रूरतों को क्या सिर्फ ये एक आदमी इन सभी ज़रूरतों को समझ सकता है? नहीं, क्योंकि उन सब जरूरतों को सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो वहां पे रहता है, ठीक है, वहां का लोकल निवासी है, वहां का, ठीक है, लोकल सिटीजन है जो वहां का, वो ही उनकी इन जरूरतों को समझ पाएगा. तो हम क्या करेंगे, क्या हम पावर को सिर्फ इस एक आदमी को देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन सभी के पास, ताकि क्या हो, डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, लोगों की जरूरतों को समझा जा सके. तो यही होती है, तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है. अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल कहाँ करेगी? स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ, स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे कुछ विलेजेस होंगे, सिटीज होगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होंगे, इन जगहों पर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल करती है, ठीक है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल करेगी. जैसे विलेज लेवल पे पंचायत होती हैं, ठीक है, विलेज लेवल पे पंचायत होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, जिला परिषद कहते हैं जिसे हम, यानी शहरों में क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जैसे मुंबई में हो गई बीएमसी हो गई, दिल्ली में होती है डीएमआरसी, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होता है पंचायती राज, दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. तो आज हम सिर्फ और पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. पंचायती राज सिस्टम की हमें नीड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, तो व्हाई वी नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, हमें गांव में पंचायती राज सिस्टम की जरूरत क्यों है? क्यों जो हमें गांव में पंचायती राज सिस्टम की जरूरत इसलिए होती है, क्योंकि हम जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज कर सके. पावर को डिसेंट्रलाइज मींस पावर को अलग अलग लोगों को दे सके, क्योंकि अगर पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा, यानी किसी एक के हाथ में पावर रहेगी, तो क्या होगा, वो पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, या फिर लोगों की जरूरतों को वो ना समझे, और क्या होगा,
इससे जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी, है ना। तो हमें क्या, तो पंचायती राज सिस्टम की नीड हमें क्या है, सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेकेंड नीड क्या है, इम्प्लीमेंट, सेकेंड नीड क्या है, इम्प्लीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र, यानी जो पावर है वो लोगों के हाथों में हो, ठीक है, जो शासन है वो लोगों द्वारा चलाया जाए, वो डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अगर पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है, पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, पावर किसी एक इंसान के हाथ में रहेगी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो पावर है उसको ग्रास रूट लेवल पे, यानी गांव तक पावर को क्या बोलते हैं, स्प्रेड किया जाए, ग्रास रूट लेवल तक पावर को स्प्रेड किया जाए, ठीक है। और तीसरा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोकल लोगों के हाथों में हो, सरकार का जो नियंत्रण हो, शक्ति का जो नियंत्रण हो, वो वहाँ रहने वाले लोकल लोगों के हाथों में हो, ठीक है। बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड, और हम बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं एंशियंट टाइम ऑफ पीरियड से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि ये सिस्टम जो है पंचायती राज सिस्टम, ये एंशियंट टाइम से है, ठीक है। बहुत पहले से ही जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके राज्यों में एक सभा बैठाई जाती थी, उस सभा में एक सरपंच हुआ करता था जो वहाँ के लोकल लोगों की जितनी भी ज़रूरतें होती थी, जितनी भी उनकी समस्याएं होती थी, उनको सुनता था, ठीक है, और फिर उन समस्याओं को जो वहाँ के राजा होते थे वहाँ तक पहुँचाता था। ये सब हमने अपने वैदिक पीरियड में और बुद्धिस्ट पीरियड में भी हमने पंचायत सिस्टम के बारे में सुना है, ठीक है। अब इसके अलावा